शहर में पोलियो वायरस मौजूद, कौमी इदारा सेहत ने माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक कर दी। आउटफॉल रोड से 10 दिसंबर को लिए गए नमूने एक बार फिर मुस्बत आ गए। नई गाड़ियां दो, पुरानी गाड़ी लो। डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की दो नई गाड़ियां अवामी नुमाइंदों को अलॉट। 18 मॉडल की गाड़ियां वजीर आला पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट को अलॉट कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर से गाड़ियां वापस लेकर 14 मॉडल की दे दी। कौम के मामार मसाइल का शिकार, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातजा को रेगुलर ना किया जा सका। डिपार्टमेंट से मायूस कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातजा ने वजीर आला को खत लिख दिया। मुस्तकिल मुलाजमत ना मिलने पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी के लिए नासिर बाग में मुजाहिरा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी, पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर को नाकिस मालूमात फराहम करने का मामला, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने वाइस चांसलर को कल तलब कर लिया। सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट करने वालों की शामत आ गई। शहर में अरबों रुपए की सरकारी जमीनें वागुजार करवाने के लिए अहम फैसला। महकमे एंटी करप्शन और महकमे औकाफ की ज्वाइंट टीम तश्कील, टीम शहर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करेगी। FBR ने करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 7 करोड़ रुपए की क्रेन खरीदने वाले गुलबर्ग के रिहायशी शेर अली को नोटिस जारी कर दिया। टैक्स चोरों की भी शामत आ गई। FBR ने डीसन डिपार्टमेंटल स्टोर से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। और नौमंतखब रुकने पंजाब असेंबली मलिक असद खोकर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने हल्फ लिया।